तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर अपने YouTube चैनल पे वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल से। देखिए दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा तरीके से वीडियो अपलोड करने आना चाहिए। जब तक आप सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कीजिएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल सब कुछ सही से नहीं लगाइएगा, तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो दोस्तों जब आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तो आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेगा, वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो दोस्तों आपका कमाई भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट के ऊपर जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करने आना चाहिए। तो मैं एक पूरा कोर्स बना दिया हूं, उस कोर्स का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और जाके डे वन से सारे वीडियो को देख लीजिए। उसी कोर्स का यह 17वां वीडियो है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देख ही लेते हैं। दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको एक प्लस का सिंपल मिलेगा बीच में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक कीजिए। अगर लॉन्ग वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं अभी हाल फिलहाल लॉन्ग वीडियो अपलोड करना हूँ तो अपलोड ए वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका वीडियो है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है टाइटल, तो टाइटल अभी आपको नहीं लिखना है। अगर आप टाइटल रिसर्च करके रखे हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, अगर आप रिसर्च करके लिख रखे हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क अभी पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है पब्लिक, तो इस पर हमें एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों मैं अपना बात बताऊँ तो मैं जो वीडियो को अपलोड करता हूँ वो दोस्तों पहले प्राइवेट रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप अनलिस्टेड भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको लिंक सेंड कीजिएगा वहीं देख सकता है। पब्लिक करने के बाद सभी लोगों के पास आपका वीडियो जाएगा। तो मैं प्राइवेट पे अपलोड करता हूं, तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है। एक बार हम बैक आते हैं। उसके बाद यहां पर लोकेशन पूछ रहा है, तो आप चाहते हैं तो लोकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर प्लेलिस्ट लगाने के लिए कर रहा है, तो आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका ये जो वीडियो है मेड फॉर किड्स के लिए है या नो मेड फॉर किड्स के लिए है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो बनाए हैं वह सिर्फ 18 साल से कम उम्र वाले लोग ही देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर यस इट्स मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो सभी लोग देख सकते हैं तो यहां पर आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर दिया हूं और उसके बाद दोस्तों अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहां पर हमारा वीडियो अपलोडिंग हो रहा है। देखने के लिए यहां पर चैनल के लोगों पे क्लिक करना है, योर चैनल पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैनेज वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आपका वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट हो गया होगा, तो यहां पर आपका दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। दोस्तों यहां पर अपलोडिंग हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूं आप कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लगा सकते हैं, यहां पर रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक कॉपी लिया हूं और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक फोन पड़ा है, इसी दोनों के सहारे हम यहां पर रिसर्च करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपका जो वीडियो होता है वो वायरल होने के लिए थंबनेल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर दोस्तों आपके वीडियो का थंबनेल सही रहता है तो लोग आपके वीडियो पर आते हैं, तो यह थंबनेल सबसे पहले दिखाई देता है, ये अच्छा रहता है तभी लोग आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो आपका वीडियो लोगों के पास जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइटल। अगर आप टाइटल सही से लगा देते हैं तो आपको दो फायदा होता है, एक तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें इस वीडियो में ये देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आपका वीडियो भी सर्च में जाता है। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन से हमारे वीडियो का वर्णन किया जाता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि आखिर इस वीडियो में हमें क्या क्या देखना के मिलेगा, और इसमें हम लिंक भी डाल सकते हैं, चैप्टर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद टैग आपको जरूर से लगाना है। अगर टैग आप नहीं लगाते हैं तो भैया आपका वीडियो सर्च में नहीं आता है। अगर आप अपने वीडियो का SEO कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है टैग। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइटल आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों टैग कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ोन लिया हूँ, तो इस फ़ोन को हम ले लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोगों पर क्लिक करते हैं और उसके बाद दोस्तों ट्रोन ऑन इनको गैनिटो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर नीचे की तरफ आपको मिल गया है गो इट, तो गो इट पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो ओके आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको देखना होगा कि आखिर आप अपने वीडियो में क्या बताएं। जैसे कि मैं जो वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में मैं बताया हूँ कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्च करना होगा कि लोग आखिर क्या सर्च कर रहे हैं, कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाए कैसे, तो इसे कैसे लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी लोग सर्च कर सकते हैं कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए या मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, या दोस्तों बहुत तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा और जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा होगा उसी को हमें टाइटल में सबसे पहले लिखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोस्तों सर्च वाले सिंपल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल,
चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल से लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों मेरे फ़ोन का इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल से हम जैसे ही लिखे यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, देखिए मोबाइल से पैसा कैसे कमाए। तो दोस्तों ये तो हमारे वीडियो का टाइटल होगा नहीं, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख दें मोबाइल से। अब उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं यूट्यूब जैसे ही लिखते हैं या YOU भी हम लिखेंगे तो नीचे की तरफ सजेस्ट किया जाएगा कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। जो भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है सबसे ऊपर इसी को आपको कॉपी पे लिख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल में हम यही लिखे हैं मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप टाइटल में देखते हैं तो टाइटल आप 100 शब्दों तक लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और लास्ट में आपको सन लगा देना है जिस भी सन में आप वीडियो अपलोड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं और लोग के पास भी जाता है तो उन्हें पता चलता है कि आखिर ये नया है और इसी को देख के लोग आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो आपको लास्ट में सन लगा देना है। तो दोस्तों एक हमारा यह हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें दो डंटा दे देना है इस तरीके से वहां पर टाइटल में। अब दोस्तों यहां पर देखिए अब हमें इंग्लिश में भी लिखना होगा, ये तो हमारा हिंदी में हो गया, आप इंग्लिश में ही टाइप कीजिएगा लेकिन ये आपका हिंदी में है। अब यहां पर आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो इसके लिए फिर से आपको रिसर्च करना होगा कि आखिर लोग फिर क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहां पर लोग सर्च कर सकते हैं हाउ टू, यानी कि कैसे, तो हाउ टू यहाँ पर दोस्तों हाउ टू लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम यहाँ पर टाइटल में हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल लिख दिया है। इसमें भी दोस्तों आप चाहते हैं तो लास्ट में सन लगा सकते हैं, लेकिन ना ही लगाइएगा तो बेटर है, एक ही में आप लगा दीजिएगा। तो ये आपका पूरा टाइटल डिसाइड हो गया। अब दोस्तों आपको वहाँ पर जो टाइटल लिखना है यही दोस्तों पूरा आपको टाइप करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका वो रैंक नहीं करेगा, याद रखिएगा। लोग यही गलती करते हैं जिनकी वजह से उनका वीडियो वायरल नहीं होता है, खुद से आपको टाइप करना है। तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को आप 5000 शब्दों तक लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन अपने आप लिखा जाता है, अपने से अपना दिमाग लगा के लिखा जाता है, तो यहाँ पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, वहाँ पर लिख के हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है टैग। तो टैग को आप 500 शब्दों तक लिख सकते हैं, लेकिन यह जो भी ज़्यादा सर्च हो रहा है वहीं आपको लिखना है, जिससे कि लोगों के पास यह जो आपका टैग जो आप लगाए हैं इस तरीके से लोग सर्च करेंगे तो आपका वीडियो आएगा। जो यहां पर आप टैग लगाते हैं अगर ये रैंक कर जाता है तो दोस्तों इस तरीके से लोग सर्च करेंगे तो आपका वीडियो आता है। तो इसे हम कैसे रिसर्च करेंगे इसके लिए भी हमें वही मेथड इस्तेमाल करना होगा। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर जिस तरीके से वो टाइटल रिसर्च किए थे उसी तरीके से आपको टैग रिसर्च करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखे थे मोबाइल से यूट्यूब चैनल और दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसमें से तो मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर लोग सर्च कर रहा है और हमारे वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि यह सब अलग अलग आया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप खुद दिमाग से सोचिए कि आखिर लोग किस तरीके से ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाने के बाद पैसा कैसे कमाए। तो अब इसे हमें सर्च करना होगा कि आखिर लोग इसे किस तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं मोबाइल से यूट्यूब चैनल और उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं कैसे बनाए, ठीक है, कैसे बनाए जैसे ही लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और पैसा कैसे कमाए। तो दोस्तों एक टैग हमारा यह निकल के आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक टैग यही मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आप देखते हैं। और दोस्तों आप चाहते हैं तो ये टाइटल वाला जो आप लिखे थे उसी को नंबर वन टैग में आप लगा सकते हैं और उसमें थोड़ा आगे पीछे आपको कर देना होगा। अगर उसमें आप 2021 नहीं लिखे हैं तो टैग वाले में 2021 लगा सकते हैं, तो एक वो आपका टैग हो जाएगा, दूसरा आपका ये टैग निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको रिसर्च करना है। अब दोस्तों दो हमें हिंदी में लगाना है और दो इंग्लिश में लगाना है। तो इंग्लिश में लगाने के लिए हम यहां पर सर्च करते हैं हाउ टू, जैसे कि हम वहां पर सर्च किए थे हाउ टू क्रिएट, यहां पर लिखते हैं हाउ टू क्रिएट ए। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड मेरा थोड़ा स्लो है जिसके कारण से थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हाउ टू क्रिएट ए हम लिखे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम टाइटल में ही लगा दिए हैं तो अब हम टैग में नहीं लगाएंगे, नहीं तो हम दोस्तों आगे पीछे करके लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिया है तो हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं यूट्यूब और उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं चैनल। जैसे ही लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए नीचे की तरफ क्या सजेस्ट कर रहा है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर रिसर्च कर रहा है इन मोबाइल। तो दोस्तों हम इसे लगा सकते हैं क्योंकि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च करेंगे इन मोबाइल और लास्ट में हम 2021 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीसरा टैग में हम यह लिख के रखे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर रिसर्च करके अपने कॉपी में लिख लेना है। दोस्तों आप जितना चाहते हैं 500 शब्दों तक यहाँ पर आपका जितना भी टैग निकल जाए और जो वहाँ पर लिखने के लिए जगह बच जाए तो
पूरा आप यहाँ पर टैग रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कि प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर सर्च वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको YT स्टूडियो लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा YouTube स्टूडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, इंस्टॉल वाले पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ओपन का बटन मिलेगा, ओपन वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरीके से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर वीडियोज आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों पेंसिल पर क्लिक करना है। पेंसिल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फिर से पेंसिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका थंबनेल है उसे आपको लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस फोल्डर में रखे हैं थंबनेल बना के, तो यहाँ पर बना के रखे हैं। यहाँ पर आ गया, उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। दोस्तों यह थंबनेल तभी लगेगा जब आप अपने चैनल को वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई कैसे करते हैं, इस पर वीडियो हमारे चैनल पर है, उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों हम आपको टाइटल रिसर्च करके बता दिए, वहीं टाइटल आपको लिख देना है, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और 2021, उसके बाद डबल डंडा हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप देख लिए, हम खुद से टाइप करके लिख दिए हैं, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए 2021 डबल डंडा हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, इसी तरीके से आपको लिख देना है। और उसके बाद दोस्तों इसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसे आपको कॉपी कर लेना है जैसा आप लिखे हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको इसे पेस्ट करना है, तो दबा के रखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कीजिए, ये आ जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके लिखिएगा, जैसा मैं लिखता हूँ ऐसा सेम टू सेम आप मत लिखिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप सभी लोग देखे होंगे मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलता है अबाउट दिस वीडियो, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं अबाउट दिस वीडियो। तो यहाँ पर भैया हम अबाउट दिस वीडियो लिख दिया है और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में अबाउट दिस वीडियो लिख के। यहाँ पर अब आपको लिखना होगा जो जो आपके वीडियो में, तो मैं लिखता हूँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और दोस्तों जो भी आपका है वो सब आप यहाँ पर वर्णन कर दीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउट दिस वीडियो में हम लिख दें नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप को बताया हूँ मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं 2021 में और पैसा कैसे कमाते हैं, और उसी को दोस्तों हम नीचे में इंग्लिश में लिख दिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जांपल के लिए बताते हैं, आप खुद से टाइप कीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें हेलो कहना ना भूले, और यहाँ पर हम अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देते हैं, ट्विटर का देते हैं, इंस्टाग्राम का दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ सीरीज है तो हम वो दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ वीडियो का लिंक दे देते हैं। और दोस्तों अगर आपको चैप्टर लगाना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर लिख देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम देना है, तो जैसे कि 0 सेकंड पे हमारा इंट्रो स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर 0 सेकंड पे इंट्रो लिख दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपका जिस टाइम पे जो भी वीडियो का पार्ट है तो वो टाइम देके आप इस तरीके से आप अपने वीडियो का पार्ट लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। अब दोस्तों इतना हम लिख दिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना है, इस तरीके से आप चैप्टर दे सकते हैं। अब वीडियो लिंक दे देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं वीडियो लिंक। उसके बाद दोस्तों जो भी वीडियो का आपको लिंक देना है सबसे पहले उस वीडियो का आपको नाम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ मोबाइल से दोस्तों मैं बताया हूँ YouTube चैनल, मान लीजिए कि वेरीफाई करके मैं बताया हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा मोबाइल से YouTube चैनल वेरीफाई करें, तो यहाँ पर दोस्तों BERIFY वेरीफाई मोबाइल से YouTube चैनल वेरीफाई करें, यहाँ पर मान लीजिए इतना ही मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से देते हैं, अब हमें वीडियो का लिंक कॉपी करना है तो इसके लिए यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और दोस्तों जो भी वीडियो का हमें लिंक कॉपी करना है उस वीडियो पे हम आ जाएंगे, जिस भी वीडियो को हम वहाँ पर लिखे हैं उसी वीडियो का हमें लिंक यहाँ पर देना होगा। तो इसके लिए दोस्तों जो भी वीडियो का आपका लिंक कॉपी करना है उस वीडियो के सामने आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 3 बिंदु, इस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर शेयर पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तो इस वीडियो का लिंक कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हमें ला के पेस्ट करना है, तो इसके लिए जो आप लिखे हैं उसके बाद लिंक देना है, तो यहाँ पर आपको दबा के रखना है और उसके बाद दोस्तों पेस्ट आएगा तो पेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, लिंक आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिख देना है, उसके बाद हच लगा के आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना है, और दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से हच लगा के जिस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, और दोस्तों आपको इसमें स्पेस नहीं देना है, पूरा सटा सटा के लिखना है। तो दोस्तों जो आप टाइटल लिखे थे यहाँ पर, दोस्तों हम जो टाइटल लिखे थे इसी टाइटल को हम यहाँ पर सबसे पहले लाते हैं, यहाँ पर हच लगा के उस टाइटल को ला के लिखते हैं, और दोस्तों इसमें जो स्पेस
से इसे हम इस तरीके से कट करके बीच में सटा देते हैं, आपको इसमें स्पेस नहीं देना है। तो इस तरीके से आपको स्पेस हटा देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आप लिख दीजिएगा उसी तरीके से जितना भी आपको हैशटैग लगाना है ये आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, लेकिन दोस्तों 15 से ज़्यादा आप मत लगाइएगा, ये लगा दीजिएगा। और दोस्तों इसमें आप योर क्यूरीज देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके जिस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं इस वीडियो को वो भी आप लगा सकते हैं, इससे भी व्यूज आने के चांस रहता है। और दोस्तों उसमें आप चाहते हैं तो किसी बड़े यूट्यूबर का नाम भी दे सकते हैं जिससे कि उनके वीडियो के नीचे आपके वीडियो को सजेस्ट किया जाए। योर क्यूरीज कैसे लगाते हैं इस पर मैं बगल में आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसे देख के आप लगा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ से बाइक आएंगे, उसके बाद दोस्तों सेव कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर टैग लगाना है। तो टैग तो हम रिसर्च करके आपको बता दिए, वहाँ से आपको रिसर्च करके देख लेना है। और दोस्तों देख लेने के बाद जो भी आपको टैग लगाना है तो सबसे पहले तो आप अपने चैनल का नाम लिख दीजिएगा। चैनल का नाम लिख देने के बाद यहाँ पर आपको ये दबाना है इंटर वाला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और उसी तरीके से जो जो आप वहाँ पर टैग लिए थे जितना आपको टैग मन करता है 500 शब्दों के बीच में उतना टैग आप ले लीजिएगा और उसे लिख के ये आप दबाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सेव कर दीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ये आपका सेव हो जाता है। तो इतना काम आपको कर लेना है YT स्टूडियो में। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है studio.youtube.com, लिख के सर्च कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा कंटिन्यू टू स्टूडियो लिखा हुआ, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप आ जाते हैं अपने चैनल के डैशबोर्ड पे। चैनल के डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो 3 बिंदु पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर दीजिए। ये जैसे कि यहाँ पर हम 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 बिंदु पे नीचे की तरफ आते हैं डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों ये डेस्कटॉप साइड पे चला जाता है। जिस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर में खुलता है उसी तरीके से आपके मोबाइल पर भी खुलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दिए आपको डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको स्टूडियो के बगल में 3 लाइन दिखाई देगा, यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों कॉन्टेंट पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपको वीडियोज लिखा हुआ मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पे जितने सारे वीडियो अपलोड रहते हैं सारा वीडियो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह वीडियो है अभी अभी हम अपलोड किए हैं, तो इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेंसिल वाले पर क्लिक कर देंगे, पेंसिल वाले पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लगाना हम आप लोग को बता दिए। यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, अगर आप प्ले लिस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से प्ले लिस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आके सी मोड पर आपको क्लिक करना है, सी मोड पर क्लिक कीजिए। अगर आप यह जो वीडियो बनाए हैं पैसा लेके बनाए हैं प्रमोशन वाला वीडियो है तो आप यहां पर टिक लगा दीजिएगा पेड प्रमोशन में। और उसके बाद दोस्तों टैग लगाना तो हम आपको बता ही दिए हैं। यहां पर दोस्तों आपको वीडियो लैंग्वेज कर रहा है लैंग्वेज यानी कि भाषा, तो आप यहां पर दोस्तों हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी भाषा में आपका वीडियो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्शन है तो कैप्शन तो मैं लगाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों टाइटल डिस्क्रिप्शन किस भाषा में है तो वो भी यहाँ पर आप लगा दीजिए, जिससे कि जो भी यूट्यूब है वो हिंदी वाले लोगों को भी दिखाएगा, जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो उस पर व्यू ज़्यादा आने के चांस है। तो यहाँ पर हमें लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर लाइसेंस है तो इस पर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको आई बटन लगाना है और इंड स्क्रीन लगाना है। आई बटन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कार्ड है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, आई कार्ड पे इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम सभी लोग कहते हैं कि अगर आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। तो जहाँ पर भी हम बोले हैं यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को चला लीजिए और जहाँ पर भी आप बोले हैं वहाँ तक चल जाता है। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो देना है चाहते हैं तो वीडियो के बगल में आपको प्लस का सिंपल मिलेगा, अगर प्ले लिस्ट देना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के सामने आपको मिलेगा। तो जो भी आपको देना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर जितने सारे वीडियो रहते हैं वो सारा वीडियो आ जाता है। जो भी वीडियो आपको लगाना है उस वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा, वो वीडियो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर सेव पे, तो आपका ये सेव हो जाता है। अब इंड स्क्रीन लगाना है तो इंड स्क्रीन के लिए यहाँ पर इंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। और इंड स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको इंड स्क्रीन लगाना है। जैसे कि आप देख लीजिए कि इंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो लगाने वाला हूँ, चैनल का लोगो लगाने वाला हूँ, तो इतना हम लगा लेंगे। अगर दोस्तों और लगाना है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो लगाना है तो वीडियो पर क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट लगाना है तो वो क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, चैनल लगाना चाहते हैं तो चैनल को, तो मैं यहाँ पर वीडियो को हम बताते हैं वीडियो आ गया। उसके बाद जो वीडियो लगाना है तो चूज यहां पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद दोस्तों जो भी वीडियो आपको लगाना है उस वीडियो पे आप आके क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो आ जाता है। जहां पर भी आपको स्क्रीन पे लगाना है वहां पर लाके रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेव पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका सेव हो जाता है। इतना काम आपको करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। YT स्टूडियो ऐप को ओपन कीजिए, आप सारा काम यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो वीडियो आपका था उस वीडियो पर आइए और उसके बाद दोस्तों वीडियो पर क्लिक कीजिए, पेंसिल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद
दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप जो यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट करके रखे हैं इस पर क्लिक करके आपको पब्लिक पे क्लिक कर देना है। बैक आके आपको सेव पे क्लिक कर देना है, आपका वीडियो पब्लिक हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर देखिए एडवांसेड सेटिंग्स, इसमें आके आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइसेंस के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो पब्लिक हो जाता है। अब दोस्तों मुझे यह वीडियो पब्लिक नहीं करना है तो मैं सेव पर नहीं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों मुझे मान लीजिए कि यह वीडियो डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए यहीं पर आएंगे एडवांसेड सेटिंग में, डिलीट फ्रॉम यूट्यूब पर क्लिक करके ओके कर देंगे, हमारा यह वीडियो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके वीडियो का टाइटल, और उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो का टैग, यही दो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और आपके वीडियो का थंबनेल। तो थंबनेल बनाते कैसे हैं, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों टैग की बात करें तो दोस्तों टैग आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप टैग लगा सकते हैं। 500 शब्दों तक आप लिख सकते हैं, इसमें जितना टैग आप बनाना चाहते हैं उतना टैग बना सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी वीडियो को लोग किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, जिस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं खुद के दिमाग से सोच लीजिए और उसी को आप टैग में लगा दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वहाँ से टैग को कॉपी करके यहाँ पर आकर मत लगाइएगा। उसके वीडियो में अगर वो रैंक कर गया है तो क्या पता आपके भी वीडियो में रैंक करेगा, उससे अच्छा है कि खुद से ही हम टाइप करें। हमारे वीडियो में जरूर रैंक करेगा, आज नहीं करेगा कुछ दिन के बाद करेगा, लेकिन करेगा और हमारे वीडियो पर भी व्यूज आएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बता देता हूँ, इस तरीके से हम एक वीडियो में लगाए थे, उस वीडियो पर अभी 1 लाख से ज़्यादा व्यूज है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों सेम यही चीज़ हम बताए थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए।